भले ही रोहित शर्मा को टीम इंडिया की कप्तानी सौंप दी गई हो, लेकिन आईपीएल में वे एक जीत के लिए तरस रहे हैं। हाल ही में सीएसके के खिलाफ एक बार फिर से मुंबई इंडियंस को करारी हार का सामना करना पड़ा है और इसी हार के साथ ये मुंबई की लगातार सातवीं हार है। साथ ही हार के बाद मुंबई के फैंस जानना चाहते हैं कि क्या अब टीम का सफर खत्म हो चुका है। ऐसे में अब हम आपको बताएंगे आखिर कैसे सात हार के बावजूद भी मुंबई इंडियंस के पास एक ऐसा तरीका है जिसके बाद अब भी वो प्लेऑफ की रेस में बनी रह सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे टीम के पास अब भी खिताब जीतने का एक सुनहरा मौका है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आईपीएल के 15वें सीजन के 33वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस के फैंस को जिसका डर था आखिर वही हुआ। चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ खेले गए मुकाबले में टीम को हार का सामना करना पड़ा। इस सीजन में रोहित शर्मा की टीम को लगातार सातवीं हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के बाद अब टीम के प्लेऑफ में पहुंचने का सपना चकनाचूर हो गया या फिर इसमें अभी भी कोई आस बाकी है। आईपीएल में सबसे ज्यादा 5 बार जीतने वाली टीम मुंबई के नाम इस वक्त बेहद ही शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है। वह टूर्नामेंट के किसी भी सीजन में शुरुआती 7 मैच यानी आधे सीजन के मुकाबले को हारने वाली टीम बन गई है। गुरुवार को चेन्नई के खिलाफ टीम ने टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 155 रन बनाए। जवाब में महेंद्र सिंह धोनी की धमाकेदार फिनिशिंग की बदौलत चेन्नई ने 3 विकेट से जीत हासिल की। यह 7 मैच के बाद चेन्नई की दूसरी जीत थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर अब मुंबई का क्या। इस बार भले ही टूर्नामेंट में 8 की जगह 10 टीमें खेल रही हैं, लेकिन हर सीजन की तरह इस बार भी हर टीम के खाते में 14 मुकाबले होंगे। आईपीएल में किसी भी सीजन में 8 मैच जीतने वाली टीम के पास 16 अंक होते हैं, उसके प्लेऑफ की जगह पक्की मानी जाती है। इस लिहाज से अब मुंबई अगर अपने बाकी बचे 7 मैच भी जीत लेती है फिर भी वह 16 अंक तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि उसका रन रेट नेगेटिव के साथ चल रहा है और वह 10वें स्थान पर है और लगभग अब टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। टूर्नामेंट में मुंबई के अलावा 9 टीमें हैं जिसमें से 7 टीमों के खिलाफ उसे मुकाबला खेलना है। रोहित की टीम को अब क्रमशः लखनऊ, राजस्थान, गुजरात, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली की टीम के साथ खेलना है। पंजाब और बेंगलोर ही वो 2 टीमें होंगी जिन्हें मुंबई को नहीं खेलना है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसी और भी क्रिकेट की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।